जय स्वामीनारायण वाला भक्तों, आ वीडियो में हूँ तमने बीजा लग्न करवा माटे समझावता आचार्य श्री रघुवीरजी महाराज नो शिवलाल शेठ साथे थयेल संवाद जणावीश। एक वक्त आचार्य श्री रघुवीरजी महाराज गढ़पुर आव्या हता, तेथी भगा डोशी सहु कुटुंबीओ साथे गढ़पुर दर्शन करवा गया। आचार्य श्री ने डोशी कुटुंब साथे घणो स्नेह हतो, तेथी भगा डोशीए आचार्य श्री ने एकांत में कह्यू, शिवलाल घरभंग थयो छे, हजी उमर नानी छे, वड़ी त्रण नाना दीकरा छे, अमारू प्रतिष्ठित कुटुंब छे, माटे ते फरीवार लग्न करे तो सारू, सारा सारा मागा आवे छे, छता शिवलाल फरीवार लग्ननी ना कहे छे, कोईनू मानतो नथी, माटे तमे समझावो तो सारू। त्यारे आचार्य श्री कहे, बहु सारू, तमे चिंता ना करता, हूँ समझावीश। पछी शिवलाल भाई ने आचार्य श्री एकांत में बोलाव्या अने कह्यू, अमे गुरु अने तमे चेला ए वात साची। शिवलाल भाई कह्यू, बापजी एमा कोई शंका नथी, परंतु आ एकज प्रश्न में वाणियाना दीकरा हता एटले तरत ज आचार्य श्री शू पोतानी पासे करावाना छे ते बधुं समझी गया। मनोमन श्रीहरि तथा मोटा संतों ने संभाळी पूर्व तैयारी करी लीधी। पछी रघुवीरजी महाराजे कह्यू, शिवलाल मारू एक वचन तमारे मानवू पड़से। सेठ कहे, बोलो शू वचन मानू? त्यारे आचार्य तेमने समझावता थका कहे, तमे अमारे वचने बीजू घर करो, तमारा पिताश्री अने वडीलों ने राजी करवा ए तमारू कर्तव्य छे। आम अति आग्रह कर्यो त्यारे शिवलाल भाई कहे, मारा श्री आम एक तरफी न चालो, हूँ तमारू मानो अने तमे मारू मानो, आपणे बे परस्पर ठेराव करिए। पछी रघुवीरजी महाराजे कह्यू, बोलो શું ઠેરાવ કરવાનો છે? ત્યારે શિવલાલભાઈ કહે, બાપજી મારે તો ત્રણ પુત્ર છે, માટે હવે હું ભજન કરું તે યોગ્ય છે, અને જો શ્રીહરિને મારી પત્નીને રાખવાની ઈચ્છા હોત તો ધામમાં શું કામ તે તેડી ગયા હોત? શ્રીહરિ મારી પત્નીને ધામમાં તેડી ગયા એ જ બતાવે છે કે હવે મારે સંસાર વ્યવહાર કરવો નહીં। છતાં આપનો આગ્રહ હોય તો એક શરતે નક્કી કરીએ, आप तो धर्माचार्य छो अने तमारे कोई पुत्र नथी, माटे गुरु सेवकनी अर्जी स्वीकारे अने सेवक गुरुनी मर्जी स्वीकारे, माटे तमे अने हूँ बन्ने फरी लग्न करिए। आप पण हजी एक वार नवू घर करो तो धर्मनी गादी खाली न रहे। ते सांभळी रघुवीरजी महाराज कई बोल्या नहीं, केम जे संतान माटे आचार्य श्री रघुवीरजी महाराजे त्रण घर कर्या हता, छता श्रीहरिए संतान आपेल नहीं। तेथी आचार्य श्री समझता हता के हरि इच्छा विना कोई थी तरणुय तूटतू नथी। पछी शिवलाल शेठ उतारे गया, त्यारबाद भगा डोशी आचार्य श्री पासे आव्या अने पूछ्यू, केम बापजी शिवो मान्यो? त्यारे रघुवीरजी महाराज कहे, शेठ मानवानी वात तो रहेवा दो, एने तो मने पण बंधन में नाख्यो, એણે તો ગોપાળાનંદ સ્વામી અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સેવ્યા છે, માટે તે જબરો બળ્યો થયો છે, બીજું ઘર કરવા શિવલાલ માને તેમ નથી, એમ કહી પોતાની સાથે જે સંવાદ થયો હતો તે ભગા ડોશીને સંભળાવ્યો। તે સાંભળી ઉદાસ ચહેરે ભગા ડોશી પાછા ઉતારે આવ્યા। જય સ્વામિનારાયણ। આવા જ વિડીયો રોજ જોવા માટે સ્વામિનારાયણ કથા ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો। જય સ્વામી।